पुरुषोत्तम मास अधिक मास की एकादशी के दिन यदि आप 5 दीपक इस विधि से लगाएंगे तो निश्चित ही आपके घर में प्रचुर धन लाभ होगा और माता महालक्ष्मी की अपार कृपा होगी। इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास की जो पद्मिनी एकादशी है, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है, और पुरुषोत्तम माह में होने के कारण इसे पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा जाता है। तिथि का आरंभ 28 जुलाई 2023 शुक्रवार को दोपहर 2:52 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 29 जुलाई 2023 शनिवार को दोपहर 1:06 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन ही पद्मिनी एकादशी का व्रत रखना है और इस व्रत का पारणा अगले दिन यानी 30 जुलाई 2023 रविवार की सुबह 6:06 से लेकर के 8:06 तक करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी होती है वो सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और पुरुषोत्तम मास में जो भी पुण्य कर्म किए जाएंगे उनका अनंत और अक्षय गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो वैसे तो आप एकादशी के दिन सभी प्रकार का पूजन पाठ करेंगे, दान करेंगे, स्नान करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन एक सरल उपाय हम आप सभी के लिए बताने जा रहे हैं। इस सरल उपाय को यदि आप एकादशी के दिन करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन संपत्ति, रोजगार, व्यापार और संतान की प्राप्ति होगी तथा माता महालक्ष्मी स्वयं आपके घर में आएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। बस आपको करना यह है कि 29 जुलाई को जब शाम को सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त यानी 7 बजे जब सूर्यास्त हो जाए, उस समय आपको 5 दीपक तैयार करना है और ये 5 दीपक जो आप तैयार करेंगे वो लंबी बत्ती के आपको लगाना है और इनमें तिल का तेल आपको डालना है। इन 5 दीपकों को सर्वप्रथम अपने घर के पूजा स्थल में एक थाली में आप रख लीजिएगा। यदि आप चाहें तो मिट्टी के दीपक जो पुराने हैं उनको भी धोकर के उपयोग कर सकते हैं, या फिर धातु के स्टील या पीतल के दीपक भी आप उपयोग कर सकते हैं। होना चाहिए साफ सुथरा दीपक। 5 दीपक आप रख लीजिए, उनमें 5 में लंबी बत्ती आपको लगाना है और उनमें तिल का तेल आप जरूर डालिए। तिल का तेल यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इसके स्थान पे आप सरसों का तेल भी इसमें डाल सकते हैं और इन 5 दीपकों में लंबी बत्ती और तेल डाल करके तैयार कर लीजिए और थोड़ी थोड़ी सी हल्दी इनमें डाल दीजिएगा। यदि आपके पास केसर हो तो थोड़ी थोड़ी केसर भी इनमें आप डाल दीजिएगा और उसके बाद इन दीपकों को प्रज्वलित कर दीजिएगा यानी जला लीजिएगा। और जलाने के बाद सबसे पहला जो दीपक है वह अपने घर के पूजा स्थल में भगवान के स्थान पर ही आपको रखना है और जो दूसरा दीपक है वो मुख्य द्वार पर आपको रखना है और जो तीसरा दीपक है वो तुलसी माता के पास में आपको रखना है। यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है, तुलसी क्यारा नहीं है, तो आप पूर्व दिशा की तरफ तुलसी जी का स्मरण करते हुए और उस दीपक को अपने घर में भी रख सकते हैं। और उसके बाद जो अगला दीपक है वो गौ माता के निमित्त आपको रखना है। यदि संभव हो तो गौशाला में इसको आप रख दें और यदि गौशाला या गौ माता आपके आसपास नहीं है तो गौ माता का ध्यान करते हुए आप अपने घर के आसपास या मुख्य द्वार के आसपास कहीं पर भी इसको रख दीजिएगा। और उसके बाद जो अगला दीपक है वो किसी भी मंदिर में देव स्थान में आपको रखना चाहिए। इस प्रकार ये 5 के 5 दीपक आपको 29 जुलाई 2023 शनिवार को सूर्यास्त के समय दान करना चाहिए। इस दिन इन 5 दीपकों का यदि आपने इस प्रकार दान कर दिया तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं आएगी, नौकरी आपको मिल जाएगी, नौकरी में उन्नति होगी, संतान की उन्नति होगी और संतान को भी जो है इससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा तथा माता महालक्ष्मी स्वयं आपके घर में आकर के स्थायी रूप से निवास करेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है।
तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।